नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 6, लिविंग इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड की एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी वोकैबुलरी एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट इज लुक एट द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव। बच्चों, यहाँ बॉक्सेज में हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हर बॉक्स में जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज योर नाउन, और जो सेकंड वर्ड है वो है एडजेक्टिव। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस अबव। तो अब हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन बॉक्सेस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके। तो फर्स्ट इज द वेदर इज डैश टुडे। वेदर जो है वो कैसा है? वेदर इज कूल टुडे। तो यहां हम लिखेंगे कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेकंड, दीज मैंगोज आर वेरी डैश। तो मैंगो जो होते हैं, आम जो होते हैं, वो मीठे होते हैं, तो यहां हम लिखेंगे स्वीट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द मिल्क इज डैश। मिल्क कैसा होता है? मिल्क होता है वाइट, यानी सफेद। आइए आगे देखें। फोर्थ पार्ट इज Our soldiers are very dash. So our soldiers are very brave. Fifth part, the night is very dash. रातें कैसी होती हैं? काली। तो यहाँ आएगा dark. Next is sixth part, this river is dash. This river is deep. These kittens are dash. तो यहाँ आएगा beautiful. These kittens are beautiful. नेक्स्ट लास्ट पार्ट, माय पिलो इज वेरी डैश एंड इट विल बी सॉफ्ट। माय पिलो इज वेरी सॉफ्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन, फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल देम इन द ग्रिड गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों, नीचे हमारे पास ये ग्रिड दी गई है जिसमें हमें डिफरेंट अल्फाबेट्स दिए गए हैं, और उन्हें ज्वाइन करके हमें ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं ये बनाने हैं। फॉयल, डम्प, इंसिनरेटर, प्लास्टिक, पेपर, लैंडफिल, फर्नेस, गार्बेज, ट्रैश। इन अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके आप ये वर्ड्स बनाएंगे। तो आइए इसे देखें। तो ये है प्लास्टिक। नेक्स्ट फॉयल, ये है फॉयल, FOIL। नेक्स्ट वर्ड डंप, DUMP, डंप। नेक्स्ट पेपर, पेपर इज ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट इंसिनरेटर, ये हो गया इंसिनरेटर। नेक्स्ट इज फर्नेस, ये है फर्नेस। नेक्स्ट ट्रैश, ट्रैश। नेक्स्ट इज गार्बेज। नेक्स्ट लैंडफिल, ये हो गया लैंडफिल। आइए आगे चलें। पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो बच्चों, ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास डर्टी, यूजफुल, स्ट्रे, ओपन, फिल्दी, ब्यूटीफुल, यूज, एम्प्टी। तो बच्चों, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास डर्टी, यूजफुल, स्ट्रे, ओपन, फिल्दी, ब्यूटीफुल, यूज, एम्प्टी। आइए आगे चलें। आगे है ग्रामर एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज ही इज ए स्टूडेंट। सेकेंड दे आर प्लेयर्स। थर्ड शी इज प्लेइंग फुटबॉल। फोर्थ ही कैन लिफ्ट दिस चेयर। फिफ्थ शी विल विन द मैच। सिक्स्थ दे आर एब्सेंट टुडे। सेवन्थ His mother was not sick yesterday. And eighth is she cannot drive a car. The above sentences can be changed into questions as shown below. बच्चों, जो यहाँ ऊपर हमें 8 sentences दिए गए थे, इनको हमें question में change करना है. Like first is he a student? ऊपर हमें यहाँ दिया गया था he is a student. वह एक student है. और उसका question form क्या होगी? Is he a student?
क्या वह एक स्टूडेंट है? ऐसे ही सेकंड का होगा, आर दे प्लेयर्स? थर्ड, इज शी प्लेइंग फुटबॉल? फोर्थ, कैन ही लिफ्ट दिस चेयर? फिफ्थ, विल शी विन द मैच? सिक्स्थ, आर दे एब्सेंट टुडे? सेवंथ, वॉज इज मदर नॉट सिक यस्टरडे? एंड एट्थ, कैन शी नॉट ड्राइव ए कार? एज यू कैन सी, वेन वी चेंज ए सेंटेंस इंटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, द वर्ड ऑर्डर इज चेंज्ड। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम उनको चेंज करेंगे तो उनका जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। इफ द वर्ब इज ए सिंगल वर्ड एज इन सेंटेंस वन और टू, द वर्ब इज शिफ्टेड बिफोर द सब्जेक्ट। बट इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड एज इन सेंटेंस 3 to 8, वी शिफ्ट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। आइए इसकी एक्सरसाइज देखें। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों हमारे पास यहाँ 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फर्स्ट, ही इज ए पोस्टमैन, वह एक पोस्टमैन है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इज ही ए पोस्टमैन, क्या वह पोस्टमैन है? और बच्चों जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसको चेंज करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, परितोष इज ए गुड बॉय, तो इसका क्वेश्चन फॉर्म होगा, इज परितोष ए गुड बॉय? थर्ड सेंटेंस इज, चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइस, एंड इट्स इंटरोगेटिव फॉर्म इज, आर चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस? फोर्थ, शी वॉज नॉट एंग्री, वॉज शी नॉट एंग्री? नेक्स्ट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल? नेक्स्ट, सरिता इज 8 years old, इज सरिता 8 years old? सेवंथ, द पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, वॉज द पिकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट? नेक्स्ट, द कैट इज नॉट अंडर द टेबल। नेक्स्ट, द बुक्स आर इन द बैग, are the books in the bag? Next, his pen is on the table. So these were the interrogative form of these sentences. आइए आगे चलें। आगे है listening and speaking exercise. Read the following conversation on keeping clean and enact it. Aditi throwing a chocolate wrapper. This chocolate is so sweet. Nidhi, Aditi, what are you doing? Aditi, I'm enjoying a chocolate. Nidhi, it's okay. But you shouldn't throw its wrapper on the ground. You should have put it into a dustbin. Aditi, why? Nidhi, don't you know that it would help to make our surroundings clean? Aditi, thinking, I think you are absolutely right. I would follow your advice in future. तो बच्चों ये थी एक छोटी सी conversation Aditi और Nidhi की, आइए आगे चलें। Now come to writing section. Prepare a poster for your school on do's and don'ts about waste management. You may use the following points. First is, use both sides of paper to write. Second, throw torn paper here and there. Third, always use your own shopping bag made of cloth. Next, use cartons and empty boxes as dustbin. Next, throw the waste everywhere. Sixth, throw empty chip packets, wrappers and fruit peels into dustbin. Seventh, throw empty water bottles anywhere. Next, donate your old toys and clothes instead of throwing them out. And ninth, leave the tap open after use. Tenth, avoid use of polythene bags. तो बच्चों हमें यहाँ 10 पॉइंट दिए गए हैं। इसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें एक सेक्शन हमारे पास हो जाएगा उसके डूज का, हमें क्या क्या करना चाहिए, और एक होगा डोंट्स का, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमें करने चाहिए वो है, यूज बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट, ऑलवेज यूज योर ओन शॉपिंग बैग मेड ऑफ क्लॉथ, यूज कार्टन एंड एम्प्टी बॉक्सेस एज डस्टबिन, थ्रो एम्प्टी चिप पैकेट्स रैपर्स एंड फ्रूट पील्स इनटू डस्टबिन, अवॉइड यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, डोनेट योर ऑल टॉयज एंड क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम आउट। और जो हमें नहीं करना चाहिए डोंट्स, उसमें आएगा डोंट थ्रो टॉर्न पेपर्स हियर एंड देयर, don't throw the waste everywhere, don't throw empty water bottles anywhere, and don't leave the tap open after use. तो बच्चों ये था राइटिंग सेक्शन, आइए आगे देखें।
आगे है फॉलो अप, रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। प्रिपेयर ए पेंसिल और पेन स्टैंड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। बच्चों, वेस्ट मटेरियल से आपको एक पेंसिल या पेन स्टैंड बनाना है, इसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था इंग्लिश का लेसन नंबर 6, लिविंग इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस लेसन की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।